हाँ जी जी मम्मी जी, मैं भी अपनी पड़ोसन लप्पी लूथरा के लिए ना कभी साड़ी नहीं लेके गया, हमेशा सूट ही लेके जाता हूँ। गुलगुले, मैं तुम्हें दे दूँ ये जानकारी कि मैडम इज आस्किंग अबाउट हर साड़ी। ओके बाय। साले बोधा नरेश बॉटनी के बाद जू में मैंने क्लास लगानी है, उसमें क्या मैं घाघरा पहनूंगी? साड़ी मंगवाई थी, कहाँ है वो? अरे मैडम, वो साड़ी तो मैं कब की ले आया हूँ, बहुत पहले वो साड़ी रखी है मैडम अंदर, आप चेंज कर सकती हैं। मम्मी जी, मेरे दिमाग में ना जी एक सवाल काट रहा है। कुत्ता है सवाल जो काट रहा है? नहीं जी, मैं कह रहा था जी, अगर आप टीचर बन जाएंगी तो फिर स्टूडेंट भी तो होने चाहिए जी। वाह भाई, देखो मन ने एक बात की जो है सेटिस्फेक्शन है कि जाते जाते मतलब निकलते निकलते ही सही, लेकिन इस आदमी के दिमाग की जो है जली है ट्यूबलाइट, कुछ एक्टिवेशन हुई है दिमाग में। वेरी नाइस, गुड, थैंक्स लॉट। वैसे मैडम आप कहें तो ऐसे दो चार छह स्टूडेंट्स का इंतजाम कर दूं मैं। अरे इंतजाम क्या करना है, ये है ना जय वीरू, इन्हें निकालो बाहर। ये आओ भाई, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, अरे आओ जल्दी आओ। भाई इनका जो है हुलिया सुधारो दोनों का, हैं? इन्हें बनाओ स्टूडेंट्स, इनका गेटअप चेंज करो और तुम दोनों भी एक डिफरेंट गेटअप लो और जो है स्टूडेंट्स बनो और इन्हें समझाओ क्या करना है। ओ सुन लो भैया, जो गुलगुले अंकल समझाएंगे बढ़िया से समझ लो, और याद रखना हमारी क्लास में मैं घनी स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, बहुत डिसिप्लिन चाहिए, अगर भागने की कोशिश करी तो टांगे जो है किसी काम की ना रहेंगी फिर। ओके सही है। ये देख तेरा फोटो, तेरा फोटो। जीवन बॉटनी है तो है, है। अरे ये हमारे स्टूडेंट्स वहां जाकर क्यों बैठे हुए? ओ अच्छा अच्छा, मतलब कि हमारे क्लास की जड़ें वहां तक फैल गई है, जीवन बॉटनी है। सर वो हमारे स्टूडेंट नहीं है। अच्छा ओके, नो प्रॉब्लम। तो आज हम लोग जानेंगे कि कैसे कैक्टस का पौधा चाय की पत्ती की खाद बन जाता है। नमस्कार। नमस्कार। ये तो कहिए कैसे हैं आप? पहले आप कहिए कहाँ थी आप? मैं तो कर रही थी किसी का इंतजार, क्योंकि जीवन श्रृंगार है। जीवन श्रृंगार है, जीवन श्रृंगार है, जीवन श्रृंगार है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह प्रेमी और प्रेमिका ठीक उसी तरह होते हैं जैसे नाक की बाली और कानों का झुमका। टीचर, टीचर वही झुमका ना जो बरेली के बाजार में गिर गया था। हाँ, वो झुमका गिरा नहीं था, बल्कि प्रेमिका ने वो झुमका गिराया था ताकि वो अपने प्रेमी से कह सके कि ओ मेरे दिल के चैन, जाओ जरा मेरा झुमका तो उठा कर लाओ, जरा ढूंढ के लाओ, वो कहीं बरेली के बाजार में जा गिरा है, क्योंकि जीवन श्रृंगार है। जीवन बॉटनी है, जीवन बॉटनी है। तो मैं आपको बता रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में एक पहाड़ है जिसका नाम है टिक टिक टाम, वहाँ एक पौधा, वहाँ एक फ्लोरिया नाम का वनस्पति पति प्रेमी को बनना था प्रेमिका का पति, इसलिए मरता क्या ना करता वो गया दर दर भटका, चप्पा चप्पा छान कर कहीं ना कहीं से ढूंढने की कोशिश की उसने प्रेमिका का झुमका, क्योंकि जीवन श्रृंगार है, जीवन श्रृंगार है। आज बस इतना ही, तो कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त इसी समय इसी स्थान पर।
तब तक याद रखिए कि जीवन श्रृंगार है। जीवन श्रृंगार है, जीवन श्रृंगार है, जीवन श्रृंगार है, जीवन श्रृंगार है। जी नमस्कार। नमस्कार। मैं यही श्रृंगार रस की क्लास चलाती हूँ और आप शायद यहाँ बॉटनी पढ़ा रहे हैं। आज जी हाँ। वैसे आपसे मिलकर हृदय खिलखिला उठा। चलिए कल यही मुलाकात होगी क्योंकि जीवन श्रृंगार है। जी चलते हैं। जीवन बॉटनी है। मैं बता रहा हूँ आंटी, अपने बेटे को समझा दो गुस्से की गुर्राहट में। से बात करूंगा अंकल, आप समझाओ अपने बेटे को। ये बात कर रहा है कि डरा रहा है? ओहो यार, क्यों रोला पाया? चुप कर जो, बस मम्मी जी आ रही हैं अभी। अरे चुप रहो अंकल। मैं चपेड़ मारूंगा कान के नीचे अगर अंकल कहा तो। अंकल कहना लड़के के बाप को। अरे मैं सब तहस नहस कर दूंगा, मेरी बहन से अब सहन नहीं हो रहा है गुस्से की गुर्राहट में। लुक एट माय सिस्टर। सहन तो हमारे से भी नहीं हो रहा है। इधर आइए जरा पास। वो क्यों? ओ, ओ मैडम ने कहा पास आओ तो पास आओ, वरना अगर हमारी मैडम के दिमाग का तान पूरा का पूरा छिड़ गया ना तो हमारी मैडम एक नंबर की जुल्मी जीनत। मेरा मतलब है खौफनाक कतरीना। मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? जा खड़ा अपनी बहन के पास जाके। चल चल। अरे बेटी अब बता भी दो कि मेरे बेटे के सर पे बॉटनी के भूत की जगह बातूनी का भूत कब चढ़ेगा? मैं बहुत तकलीफ में हूँ। यस मैडम, बताइए ना कब उड़ेगी जुदाई की सिरन, कब होगा हमारा मिलन, कब उनके मन का कौवा मेरे मन की मैना के साथ गाएगा युगल गीत, कब होगी बॉटनी पर प्रेम की जीत, कब होंगे साथ फेरे मैं उनकी वो मेरे, कब बजेगी शहनाई, कब शांत होगा मेरा भाई, कब इसका टेम्पो दौड़ेगा धक धक और मेरी जिंदगी की गाड़ी चलेगी चकाचक। अबे इसके मुंह पे टेप लगा के क्यों नहीं आता है तू, बोर आया हुआ भाई। अभी मैंने कुछ बोला ही कहा है। देखो ऐसा है कि मैडम ने अपना जाल फेंक दिया है और बहुत जल्द वो बॉटनी नरेश जाल में फंस जाएगा, क्योंकि फंसाने में तो हमारी मैडम एक नंबर की। मेरा मतलब है वो फंस जाएगा। अंकल आंटी टेंशन कोई ना लो, बहुत जल्द वो बॉटनी का प्रोफेसर अपनी बॉटनी छोड़ देगा, क्योंकि कल वो हमारा एक नया रूप देखेगा। वेरी सनी डे। तो स्टूडेंट्स कहाँ गए? नमस्कार। नमस्कार। कहिए कैसे हैं आप? पहले आप कहिए कहाँ थी आप? मैं कर रही थी किसी का इंतजार, क्योंकि जीवन श्रृंगार है। आज मैं आपको बताऊंगी शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी। मम्मी जी ये तो सब यूजलेस बातें हैं, आप हमें ये सिखाइए प्रेमी प्रेमिका को छेड़ता कैसे है, जो फ्यूचर में हमारे काम आएगा। ये बात है तो ये देखो, बस
आज की कक्षा यहीं समाप्त हुई। कल यहीं मिलेंगे, इसी समय, इसी वक्त, इसी स्थान पर। तब तक याद रखिए, जीवन श्रृंगार है, जीवन श्रृंगार है, जीवन श्रृंगार है, जीवन श्रृंगार है, जीवन श्रृंगार है। नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। कितना अच्छा नाचती हैं आप, आपने कहीं सीखा है? जी, मैं जो काम करती हूँ वहाँ तो सिर्फ गोलियाँ, घूंसे, लात, क्राइम, यही सब होता है। नृत्य सीखने का तो अवसर ही नहीं मिलता। अच्छा जी, आप ऐसा कौन सा काम करती हैं? जी, मैं पुलिस में हूँ, इंस्पेक्टर हूँ। जी, जब उस काम से उब जाती हूँ सारा दिन, तो यहाँ आके अपना असली काम यानी श्रृंगार रस पढ़ाने लगती हूँ। अच्छा, आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। जी, धन्यवाद। वैसे आप भी बॉटनी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जी, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। आप आज रात को क्या कर रहे हैं? मैं एकदम फ्री हूँ। तो आप, मैं जो आपसे पूछना चाहती थी वो, मैं चाह रही थी कि कहीं एकांत में अकेले हम बात कर सकते। तो मेरी चौकी में आज रात मेरी नाइट ड्यूटी है, वहाँ उस समय कोई नहीं होगा, तो अगर हम वहाँ मिल लेते तो हम बातचीत। लेकिन मैंने तो अभी तक आपसे आपका नाम भी नहीं पूछा। जी, मेरा नाम चंद्रमुखी। और मैं नरेश। वैसे जो लोग मुझे प्यार करते हैं जी, वो लोग मुझे चंद्रू कहते हैं। अच्छा, तो मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? आपकी मर्जी। मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। जीवन श्रृंगार है। आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, जीवन वो श्रृंगार है, श्रृंगार। चंद्रू, चंद्रू देखो मैं आ गया। चंद्रू, चंद्रू कहाँ हो तुम? मैं आ गई। देखो चंद्रू, तुमने बुलाया और मैं आ गया। जीवन श्रृंगार है। बहुत अच्छा किया आप आ गए, क्योंकि मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। बातें क्या करनी है? कुछ जरूरी सवाल पूछने हैं। हाँ, तुम तो समझ ही नहीं रही हो ना, तुम पूछो ना, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। जीवन श्रृंगार है। करोला का पौधा जो होता है, उसे गमले में लगाया जाए या खुले मैदान में लगाने से बढ़ता है? अरे तुम तो समझ ही नहीं रही हो कुछ भी। अरे करोला को लेके कहाँ बैठ गई, कुछ श्रृंगार की बातें करो। जीवन श्रृंगार है। और कैक्टस, कैक्टस की कितनी शाखाएं होती हैं और उसकी जो जड़ें हैं वो जमीन में कितनी लंबी उग जाती हैं, ये तो बताइए। अरे देखिए, कहाँ तुम, फिर तुम कुछ समझ नहीं रही हो। देखो बॉटनी को छोड़ो साइड में, जीवन श्रृंगार है। चलिए ये क्लियर हो गया। अब ये बताइए कि जो बरगद का पेड़ है, उसकी छाल की जो खाद बनती है वो किन पौधों के लिए लाभदायक है, और जब सूरज की किरणें। बस करो, तुम बस करो, प्लीज बस करो। ये बॉटनी की कहाँ बातें कर रही है, आप समझ नहीं रही है कुछ भी। आप श्रृंगार की बात कीजिए ना, क्योंकि जीवन श्रृंगार है। लेकिन बॉटनी के तो प्रोफेसर आप हैं, आप तो हर वक्त बॉटनी की बातें करते थे, आज मैं बॉटनी की बातें कर रही हूँ तो आपको अच्छा नहीं लग रहा? नहीं लग रहा, नहीं लग रहा अच्छा, मुझे एकदम भी नहीं अच्छा लग रहा। देखिए, हर चीज का एक वक्त होता है, जिस वक्त का बॉटनी के वक्त बॉटनी की बात होनी चाहिए, और श्रृंगार के वक्त में सिर्फ श्रृंगार की बात करनी चाहिए, क्योंकि जीवन श्रृंगार है। यही तो, एग्जैक्टली यही बात। क्या कि बॉटनी के वक्त बॉटनी की बात, श्रृंगार के वक्त श्रृंगार की बात, खाने के वक्त खाने की बात, यही जो बात है। जब वो छोरी बातूनी हैं, जिससे बचपन में थारी शादी तय हुई थी, जब वो थारे से बात करती थी कुछ प्यार की, कुछ नॉर्मल कन्वर्सेशनल की, भाई आज कैसे हो, दिन कैसा रहा, तो तू सिर्फ बातनी की बातें करता था उस पे। बातूनी हैं? नहीं नहीं, तैने ही होना सोचा कि उसको कैसा लग रहा होगा, बुरा लग रहा होगा, चिढ़ रही होगी, अरे उसकी भी कुछ उम्मीदें हैं, उसका दिल टूट रहा होगा। हाँ, लेकिन बातूनी। हाँ बातूनी, जिसकी वजह से हमारी मैडम को इंस्पेक्टर से श्रृंगार रस की मलिका शेरावत, मेरा मतलब है टीचर बनना पड़ा। क्यों,
आगे ना झटका, ये चंद्रमुखी चौटाला का चक्रव्यूह है जिसे कोई नहीं समझ सकता। मम्मी जी ने सब तुझे सबक सिखाने के लिए किया है। समझ गया मैं कितना गलत था। मैंने बॉटनी के चक्कर में बातुनी का दिल दुखाया है। वाह बेटा, यही बात है मेन पॉइंट की। बॉटनी ने छोड़ और बातुनी को प्यार की नजर से देख, थारी होने वाली बीवी है वो। एक बार उसे प्यार से देख, सिंगार रस की भावना से देख, तेने उसमें शकुंतला नजर आएगी। ओ बातुनी आ जा भाई, लुक एट हर। बातुनी दिखी शकुंतला? मेरी शकुंतला। बातुनी मुझे माफ कर दो। बातुनी मैं समझ गया हूं कि तुम ही मेरी शकुंतला हो और मैं तुम्हारा दुष्यंत। कर दिया है मैंने बॉटनी की कहानी का अंत। सच अब मेरे हो तुम, हम दोनों मिलके बजाएंगे प्रेम की धुन। हाँ जरूर बजाएंगे, क्योंकि अब मैं समझ गया हूं कि जिंदगी बॉटनी नहीं बल्कि जिंदगी श्रृंगार है। वेरी गुड, आ जाओ भाई, भाई और अंकल आंटी, बी आर फैमिली, मीट द पेरेंट्स। भाई ऐसा है इंतजाम, और अंकल जी आंटी जी तो मिठाई बांट लो, आपके जो है बालक सेट हो गए आपस में, शादी करवाओ। अजी बिल्कुल बांटेंगे, क्योंकि अब मैं बिल्कुल भी तकलीफ में नहीं हूँ। क्यों बेटा इंतजाम? अरे हाँ मैडम, और अब गुस्से की गुर्राहट में नहीं बल्कि खुशियों की हड़बड़ाहट में। Just look at my sister, just look at my sister. Yes madam, अब होगी मेरी शादी, आएगी बारात, बजेगा बैंड, रचेगी हथेली, लगेगी मेहंदी, पहनूंगी मैं लाल जोड़ा, फूट गया गमों का फोड़ा, फिर जयमाल और होगा खत्म बवाल, फिर साथ फेरे मैं इनकी ये मेरे, फिर सुहागरात बनेगी अपनी बात, और लास्ट में हनीमून, तब जाके आएगा मुझे सुकून। बातों नहीं बस, अभी मैं कुछ बोली कहूं?